नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सबके साथ में पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि बैक टू बैक आप सबके साथ में DIY वीडियो शेयर करूंगी, तो उसी श्रेणी में हाजिर है आपके लिए एक और DIY वीडियो जो कि मैंने बनाया है किचन के लिए। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ ऐसे DIY बनाने की जो कि आसानी से बनाए जा सके, कोई भी उनको ट्राई कर सके, साथ ही साथ उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी ना हो, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाए जाए। तो इसी तरह के DIY अगर आप भी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल बटन, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए कहीं पर भी तो लाइक तुरंत कीजिएगा। और आज मैं आपके साथ में वेस्ट मटेरियल को रिसाइकल करके बना रही हूँ कुछ ऐसे DIY जो कि आप किचन में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ किसी भी जगह पर उसको मल्टीपल तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कार्डबोर्ड का बॉक्स और इसमें चारों तरफ से फ्लैप लगे हुए हैं और इन फ्लैप को मुझे सबसे पहले कट कर देना है। तो चारों फ्लैप्स को मैं सीज़र की हेल्प से कट करके अलग कर दूंगी और ये जो कार्डबोर्ड निकलेगा ना इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी इसी DIY में यूज़ किया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो बड़ा डब्बा यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो छोटा डब्बा। मैंने एक मीडियम साइज़ का बॉक्स लिया है, इसके चारों फ्लैप कट करके मैंने अलग कर दिए हैं और अभी मुझे कुछ इस तरीके से ये बॉक्स मिला है। तो अभी क्या करना है, मुझे इस बॉक्स को रख देना है अलग और कुछ पेपर ट्यूब बनाने हैं। तो पेपर ट्यूब बनाना बहुत ही आसान है, लेंथ इतनी रखनी होती है जितना कि न्यूज़पेपर की लंबाई होती है और चौड़ाई इतनी रखनी है कि एक पेपर में से आपको एक न्यूज़पेपर के एक साइड से आपको लगभग 8 स्ट्रिप मिलेंगी। तो अगर आप ऐसे नापना चाहें तो लगभग 6 से 7 इंच चौड़ी इसकी एक स्ट्रिप होती है और लंबाई न्यूज़पेपर के बराबर। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि कितनी लंबी और चौड़ी स्ट्रिप कट करनी चाहिए पेपर ट्यूब बनाने के लिए। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहें तो बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कुछ इतनी सारी पेपर ट्यूब बना ली हैं और पेपर ट्यूब को बनाने के बाद में इसको थोड़ा सा हाथ से ना फ्लैट कर देना है दबा करके और बॉक्स के चारों तरफ हमें कुछ इस तरीके से लगाना है। एक सिरा इसका नीचे के साइड में लगाना है और दूसरा सिरा ऊपर के साइड में। मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैं ना हॉट ग्लू गन की हेल्प से लगा रही हूँ। आप चाहें तो किसी भी सिलिकॉन ग्लू की हेल्प से लगा सकते हैं, फेबिबॉन की हेल्प से लगा सकते हैं, नॉर्मल PVA ग्लू की हेल्प से भी इसको आसानी से लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, हॉट ग्लू गन को गर्म किया और ग्लू लगा करके इन ट्यूब्स को पास पास में लगाया है। अब देखिए एक साइड में मैंने पूरी अंदर के साइड में चिपका दी हैं और चिपकाने के बाद में बाकी जो एक्सेस थी उनको कट कर दिया है, जो एक्स्ट्रा जो थी लंबाई और बाकी जो थी उनको नीचे के साइड में पीछे मैंने चिपका दिया है। अब चिपकाने के बाद में इसके चारों तरफ तो हो गया है, अब इसकी हमें वीविंग करनी है यानी कि बुनाई करनी है। तो एक एक स्ट्रिप को ले करके इस तरीके से इसके चारों तरफ को निकालते हुए घुमाते जाना है और जहाँ पर हमारी स्ट्रिप ख़त्म होगी वहाँ पर एक दूसरी स्ट्रिप को लगा देना है, जो पेपर ट्यूब जो है उसकी पेपर ट्यूब को दूसरा पेपर ट्यूब इसके अंदर अटैच करके और फिर इसको आगे कंटिन्यू करना है। अच्छा, आप चाहें तो एक एक छोड़ करके गैप छोड़ छोड़ करके कर सकते हैं, चाहें तो दो दो गैप छोड़ करके कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो दो गैप भी छोड़े हैं। शुरू की पहली पट्टी मैंने एक 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 ऊपर और एक नीचे करते हुए निकाल करके बुनाई करी थी और बाकी बाद में मैंने दो दो पट्टियाँ छोड़ करके की है। अब इसमें भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो पूरे जो बॉक्स को इसी तरीके से कवर कर सकते हैं और चाहें तो आधे बॉक्स को कवर करना चाहें तो आधे को कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधे बॉक्स में वीविंग की है जो पेपर ट्यूब से की है और आधे बॉक्स को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। इसके बाद में मैंने लिया है एक पिंक कलर का फैब्रिक पीस और इसका एक सिरा मैंने सिलाई मशीन की हेल्प से अंदर की साइड में फोल्ड कर दिया है। अब हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैं इसके चारों तरफ इस तरीके से लगा दूंगी और लगाने के बाद में जो फ्लैप बचे थे उनके ऊपर भी मैं कवर कर दूंगी और उसको मैंने इसके सेंटर में यानी कि नीचे के साइड में लगा दिया है यहाँ पर ये। अब अंदर के साइड से तो ये पूरा इस तरीके से बन गया है और बाहर के साइड में लगा है ये न्यूज़पेपर। अब ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको अभी हम डेकोरेट करेंगे किस तरीके से। पहले ये जो न्यूज़पेपर के ट्यूब से जो हमने वीविंग की है इसको हम कर लेते हैं पेंट और पेंट करने के लिए मैंने लिया है मस्टर्ड येलो कलर और वाइट कलर मिक्स करके मैंने इसको चारों तरफ से पेंट कर दिया।
पेंट करते ही साथ में मेरी बास्केट इतनी वाइब्रेंट, इतनी खूबसूरत सी लग रही है। आप देखेंगे कि ये नीचे के साइड में मैंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पर अगेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप चाहें तो पूरे में वीविंग कर सकते हैं और चाहें तो मेरी तरह नीचे के साइड में फैब्रिक लगा सकते हैं। तो ये देखिए फैब्रिक की स्ट्रिप मैंने कट कर ली। स्ट्रिप को कट करने के बाद में दोनों साइड मैंने हॉट ग्लू गन की हेल्प से उसके किनारे मोड़ दिए और उसके बाद में मैंने इस स्ट्रिप को इस तरीके से हॉट ग्लू गन की हेल्प से चारों तरफ लगा दिया, जिससे कि वो जो हमारी हमने छोड़ी थी वीविंग वो भी कवर हो जाए और एक पैटर्न जो कि सिमिलर रहे वो बन जाए। तो देखिए अंदर के साइड में भी पिंक फैब्रिक लगा है और बाहर के साइड में भी पिंक फैब्रिक लगा है। बाकी में वीविंग है तो ये बास्केट इस तरीके से कंप्लीट बन करके तैयार हो गई है और फाइनल लुक इसका कुछ इस तरीके से है। इसको कोई भी ड्राई चीज़ रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड प्रोजेक्ट के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं कार्डबोर्ड के दो सर्कल और ये मैंने थोड़े क्वार्टर प्लेट के बराबर के साइज़ के कट किए हैं और इनको कट करने के बाद में जो हमारा मास्किंग टेप होता है ना उसकी हेल्प से मैंने इनको दोनों को स्टिक कर दिया है आपस में और स्टिक करने के बाद में बीच में से बराबर की दूरी रखते हुए मैंने इनको कट कर लिया है बिल्कुल बराबर में। और मैंने लिए हैं यहाँ पर थोड़े से और कार्डबोर्ड के पीसेज जो कि लंबी स्ट्रिप में मैंने कट किए हैं। ये लगभग 3 से 4 आप ले सकते हैं और इनको ले करके इकट्ठा हमें करके पेपर टेप की हेल्प से या मास्किंग टेप की हेल्प से इनको जॉइंट कर देना है, जिससे कि ये थोड़े से थिक हो जाएं। और इसके बाद में आप इनको लेना कितना बड़ा है इस पे जो हमने कार्डबोर्ड के टुकड़े लिए हैं, जितने बड़े लंबाई जितनी हमारी ये जो हमने हाफ सर्कल कट किए हैं ना उतनी ही लंबाई हमें इसकी भी लेनी है। अब देखिए इस तरीके से मैंने इनको तीनों को आपस में जॉइंट कर दिया है और अब हॉट ग्लू गन की हेल्प से इस तरीके से इन तीनों पीसेस को मैं चिपका दूंगी एक साथ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से चिपका दिया है एक साथ हॉट ग्लू गन की हेल्प से और ये काफ़ी मजबूत हो गया है। और अब इसके बाद में ली है मैंने थोड़ी सी मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले को लेने के बाद में मैंने इस तरीके से रोल कर दिया। इसमें हार्डनर और रेजिन दोनों को मिक्स करके अच्छे से पहले मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद में मैंने ये दो पतली पतली स्ट्रिप मैंने बनाई हैं और इनको इस तरीके से ट्विस्ट करते हुए एक ट्विस्ट रोप का शेप बन जाएगा और उसके बाद में इसको मैं नॉर्मल पीवीए ग्लू की हेल्प से इसकी चारों तरफ लगा दूंगी। और यहाँ पर मैं जो ट्विस्टेड रोप बना रही हूँ इसको थोड़ा सा थिक करके लगाना है, यानी थिक रोल बनाने हैं हमें, बिल्कुल पतला पतला या बारीक बारीक नहीं बनाना है क्योंकि जितना थिक रहेगा उतना सुंदर लगेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर नॉर्मल पीवीए ग्लू की हेल्प से इसके दोनों तरफ चारों तरफ इनफैक्ट मैंने लगा दिया है और इसके बाद में मैंने इसको धूप में सूखने के लिए दिया था। इससे ये बिल्कुल मजबूत हो गया है और अब हम इसके ऊपर चाहें तो जैसो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक ऐसा पेंट कर रही हूँ जिससे कि इसमें जैसो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लिया है चॉक पेंट और इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पर मस्टर्ड येलो कलर का चॉक पेंट कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसे फिनिशिंग नहीं आएगी, लेकिन हम इसके ऊपर के साइड में कुछ ऐसी चीज़ डेकोरेशन चिपकाएंगे जिससे कि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बनेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आगे के साइड में भी और पीछे के साइड में भी चारों तरफ से इसको अच्छे से पेंट कर लेंगे। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक कोट जैसो का कर लें तो और भी ज़्यादा फिनिशिंग इसमें आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पेंट इस तरीके से कर लूँगी चारों तरफ से और करने के बाद में इसको अच्छे से ड्राई होने के लिए दूँगी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर थोड़े से मास्किंग टेप के निशान जो हैं वो दिख रहे होंगे, तो उनको छुपाने के लिए ये देखिए मैंने यहाँ पर ये कुछ मोल्डेड क्ले से बनाए थे मैंने ये फ्लावर। और ये मेरे पास पंचिंग मशीन है जो कि पेपर पंचिंग मशीन है, लेकिन मैंने इससे क्ले को भी कट कर लिया, क्ले के पतले पतले रोल बना करके इस तरीके से इसके बीच में फंसा करके, और मैंने इससे ये फ्लावर बनाए और इनको ड्राई होने के लिए दिया। और जब ये अच्छे से ड्राई हो गए तो अब इनको कर लिया मैंने पेंट। तो ये मैंने इतने ढेर सारे बनाए हैं और बनाने के बाद में इनको पेंट कर लिया। इसी से हम इसको डेकोरेट भी करेंगे और ये इसके मास्किंग टेप के जो पेपर के निशान है ना वो भी छुपा देगा। तो ये देखिए इनको चारों तरफ मैंने लगा दिया, बैक साइड में और अंदर के साइड में मैंने लगाया है फेल्ट पेपर ग्रीन कलर का मेरे पास था, और बाहर के साइड में चारों तरफ मैंने इन वाले फ्लावर्स को इसके ऊपर लगा दिया हॉट ग्लू गन की हेल्प से।
कंप्लीट होने के बाद में ये मेरा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो ये मैंने बनाया है पेपर नैपकिन या फिर टिश्यू पेपर होल्डर। इसको आप किचन में भी यूज़ कर सकते हो और आप चाहें तो इसको अपने डाइनिंग एरिया में या जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है वहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के दोनों प्रोजेक्ट में से आपको कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोनों ही प्रोजेक्ट को मैंने एक जैसा बनाने की कोशिश की है, जिससे कि किचन में एक जैसे डेकोरेटिव चीज़ें अगर हम रखते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपको भी मैं रिकमेंड करूँगी कि किचन के लिए या किसी भी पर्टिकुलर स्पेस के लिए आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो ज़्यादातर एक ही कलर कॉम्बिनेशन में बनाएंगे तो वो एक सिमेट्री लगती है, देखने में अच्छा लगता है। तो आज का दोस्तों वीडियो इतना ही था। आशा है आपने एंजॉय किया होगा, आपको पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।